चमचमाती हुई दिवाली आ गई है और चारों तरफ दिवाली की रौनक देखते ही बनती है। हर जगह बहुत ही सुंदर बाजार सजे हुए हैं और रौनक तो बहुत ज्यादा है। तो आज मैं आपके लिए इस दिवाली के शुभ अवसर पर लेके आ गई हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी एक मीठी रेसिपी जो बहुत टेस्टी है। और आज हम इसे बनाएंगे दिल्ली के फेमस जामा मस्जिद की गलियों से आया हुआ ये रेसिपी जो कि आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। आज हम इसे बनाएंगे पुरानी दिल्ली में जैसे मिलता है शाही टुकड़ा उसी अंदाज में हम बनाएंगे। तो आइए मेरे साथ मेरी इस खट्टी मीठी रसोई में। तो क्या आप तैयार हैं? तो आ जाइए। शाही टुकड़ा बनाने के लिए हमने इस्तेमाल करे हैं खजूर। खजूर मैं ले रही हूँ, ये ड्राई खजूर है और इसको हम जो है भिगोएंगे। जो पुरानी दिल्ली में बनाया जाता है खजूर बहुत ही ज़्यादा मुसलमानों में शुभ होते हैं और ये अपनी हर चीज़ में खजूर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रोज़ा खोलना हो, चाहे कोई भी खीर बनानी हो, उसमें खजूर इनका ज़रूरी होता है। तो आज हम इसे खजूर से बनाएंगे। तो हम ये मैंने 4-5 खजूर लिए हैं, इसको हम भिगो देंगे। और 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले इसको भिगो के रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप भिगो दीजिए, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब हम लेंगे इसमें 1/2 किलो दूध, ये फुल क्रीम दूध लिया है हमने। और इसी में हम टुकड़े करके डाल देंगे अपने जो भिगो के रखे हुए खजूर हैं वो। भिगो के रखने से क्या होता है कि अच्छे से फूल जाते हैं, फ्लेवर अच्छे से आ जाता है और ये गर्म भी नहीं करते क्योंकि खजूर जो है बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। तो अभी थोड़ी गर्मियाँ हैं इसलिए मैं ये थोड़ा गर्म होते हैं, सर्दियों में आप इसे बगैर भिगोए भी बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। तो आप इसकी रबड़ी बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। खजूर का दूध तो आपने पिया ही होगा, कितना अच्छा टेस्ट आता है, और अगर ऐसे खीर मिल जाए तो और ही ज्यादा मजा आता है। 1-2 हम निकाल लेंगे, ऊपर गार्निश में यूज करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम कढ़ाएंगे। और इधर हम अपने ड्राई फ्रूट जो है वो काट के रख लेंगे। ड्राई फ्रूट्स इसमें बहुत सारे जाएंगे तब ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आप बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश सब चीज़ें ले सकते हैं, पिस्ता। और इसे बारीक बारीक काट लेंगे, आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से काट लीजिए, मोटे पतले जैसे काट रहे हैं वैसे काट लीजिए। और देखिए काटते हुए हमारे काफ़ी टाइम हो गया, 20-25 मिनट हो गए हैं। तो ये हमारा दूध गाढ़ा हो गया है और थोड़ा कम भी हो गया है। आप चाहो तो इसमें मिल्क पाउडर से भी बना सकते हो, जैसे 2 कप आप दूध लेते हैं तो 1 कप आप लेंगे इसके अंदर मिल्क पाउडर, या फिर आप मिल्क मेड से भी बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम जो है वो बहुत कम लगता है और हमारी जो रबड़ी है वो जल्दी गाढ़ी हो जाती है। तो आप दोनों चीज़ें मिल्क पाउडर और मिल्क मेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने डाल दी है चीनी। चीनी मैंने 1/2 कटोरी ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, कम लगे तो आप फिर और डाल सकते हैं, ये आपके दूध की क्वांटिटी पर है आप कितना दूध ले रहे हैं। और इसमें अब ऐड कर दिए हमने ड्राई फ्रूट। और अब इसमें ऐड किया है हमने केवड़ा। केवड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है, आप जरूर डालिए, केवड़े से बहुत अच्छा टेस्ट आता है किसी भी रबड़ी का। केवड़ा या गुलाब एसेंस जो है आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन डालिएगा जरूर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मुसलमान जो है वो ज्यादा केवड़ा यूज करते हैं।
चाहो तो आप जो ब्रेड के ऐसे स्लाइस काट कर, जो साइडों के एजेस है उसको ऐसे काट कर भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। अगर आपको जो तरीका पसंद आता है वैसे ही आप कर लीजिए। मैं एजिस के साथ ही रखूंगी। देखिए ऐसे भी काट सकते हैं, बीच में से दो कट या चार कट भी डाल सकते हैं। अगर चार कट डालेंगे तो जैसे आपके मेहमान लोग आते हैं तो एक एक का आप इसके ऊपर चाशनी में भिगो करके फिर आप उसके ऊपर रबड़ी डाल के भी दे सकते हैं। खाने में ज़्यादा ईजी लगता है, मेहमानों के आगे भी छोटा अच्छा लगता है डला हुआ। और ये अभी इलायची कूट के हम इसमें डाल देंगे, तीन से चार इलायची डाल देंगे। देखिए हमारी खीर जो है कितनी गाढ़ी हो गई है। हमें अपने दूध को उतना कड़ाना है जैसे थोड़ा सा लाल हो जाए वो, और इसमें आप ड्राई फ्रूट पिस्ता भिगा हुआ भी डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स को भिगो के भी डाल सकते हैं, ड्राई भी डाल सकते हैं, जो आपके पास हो वैसे ही डाल सकते हैं। मेरे पिस्ता जो है वो भी भीगे हुए हैं। जो साइडों में लग जाती है ना हमारी ये रबड़ी, तो इसको आप छुड़ाते जाइए, इससे क्या होता है लच्छेदार रबड़ी बनती है और खाने में वो ज्यादा टेस्टी लगती है, और साथ साथ उतारते जाते हैं तो ये चिपकती भी नहीं है। लच्छेदार रबड़ी का टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। जो इसके ऊपर मलाई चिपकती जाती है इसको हाथों हाथ छुड़ाते जाइए। अब हम एक कढ़ाई में देसी घी लेंगे और पहले देख लेंगे छोटा सा टुकड़ा डाल के हमारा जो घी है वो गर्म हो गया है क्या। घी जब अच्छे से गर्म होगा तो फौरन जो ब्रेड है वो ऊपर आ जाएगी और अच्छे से हो जाएगी, और ठंडा होगा तो सारी ब्रेड में घी भर जाएगा तो वो सही नहीं रहेगी, खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप घी ही लें, देसी घी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तेल में भी आप ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा टेस्टी जो है कोई भी मिठाई हो देसी घी में ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसको हम सुनहरी होने तक तलेंगे, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि डालते के साथ ही जल जाए। मीडियम पे हो हमारा, और अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे। दोनों साइडों से बदलते रहेंगे पलट पलट कर। देखिए कभी आपको खाने की इच्छा हो मीठा कुछ तो आप ऐसे ब्रेड तवे पे सेक कर भी खा सकते हैं, थोड़े से घी में डाल करके और गरम गरम दूध के अंदर चीनी डाल करके आप इसको सिंपल भी तल के खाएंगे और दूध में डुबो के खाएंगे तब भी बहुत टेस्टी लगती है। हम लोग तो बचपन में ऐसे ही खाते थे, बहुत मज़ा आता था जब भी कभी इच्छा करती थी खाने की। तो ऐसे ही हम इसको सभी को तल लेंगे, सात आठ पीस को हम ऐसे तल कर अपने रख लेंगे। जितना लाल मैंने किया है उससे ज़्यादा लाल मत कीजिए आप, गोल्डन होने तक तलेंगे। कि ये ऐसा कलर हमारा आना चाहिए, ये खाने में बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अब एक हम चाशनी तैयार करेंगे। एक कप मैंने पानी लिया है, एक कप चीनी ली है और उसमें थोड़ी सी हमने केसर डाली है और थोड़ी सी इलायची पाउडर डाला है, और इसको इतना उबालना है कि वो चिपचिपी हो जाए, और जब थोड़ी सी चिपचिपी और गाढ़ी हो जाए तब हम इसको बंद कर देंगे। हमें ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी, और फिर एक एक टुकड़े को हम डाल देंगे। ध्यान रहे हमारी जो चाशनी है ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की गर्म होनी चाहिए, और ऐसे एक एक टुकड़े को हम सर्विंग प्लेट में डाल लेंगे।
जिसमें हमने सर्व करना है वो रखेंगे, उसी में हम अरेंज कर लेंगे और ऊपर से डालेंगे ठंडी ठंडी हमारी रबड़ी जो हमने तैयार करके फ्रिज में रखी थी। चाहो तो आप पहले भी इसको डाल के रख सकते हैं, चाहे तो जब मेहमान आ रहे हैं तब भी आप डाल के रख सकते हैं। दोनों ही तरीके से बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको गार्निश करेंगे हम ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैंने पिस्ता, काजू और खजूर के साथ करा है, बादाम के साथ। इसके ऊपर कुछ टुकड़े जो हैं हम खजूर के लगाएंगे और थोड़े से रोज पेटल्स डालेंगे और इसको प्लास्टिक शीट से हम ढककर रखेंगे या किसी भी ढक्कन से आप ढक करके रख दो। मैंने ढक के रखना क्योंकि इन्नी तो सूख जाती है, ये ब्रेड है तो जल्दी ये सारा दूध पी लेती है, तो थोड़ी देर पहले ही रखिए। चलिए जी, अब ये बनकर हमारी बहुत ही टेस्टी ये तैयार हो गया है शाही टुकड़ा। अब इसको हम देखते हैं टेस्ट करके बनी कैसे है। वाह, बहुत ही टेस्टी, ये बहुत टेस्टी लगती है। आप जरूर बनाइए, इतनी जबरदस्त ये रेसिपी है और खाने में तो बहुत जबरदस्त टेस्ट है। तो चलिए बनाइए और खाइए, मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा केसर भी छिड़केंगे, एक दो जो कतरे हैं वो केसर के भी डालेंगे, तो जिससे शाही लुक आएगा हमारा और देखने में भी सुंदर लगेगी। चलिए, जब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे हम किसी नई रेसिपी के साथ। और अच्छे से बनाइए दिवाली और खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।